अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर अहमद है। आप सभी का मेरे इस ट्यूटोरियल में तहे दिल से जी वेलकम है। जी इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह ऐप बनाते हैं। अक्सर करके हम बहुत सारे ऐप हम यूज़ इस्तेमाल भी करते हैं। एग्जांपल आप गेम का ले लीजिए, टेंपल रन हो गया, सर्वे सफ़र हो गया और बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअल में चीज़ें बनती कैसे हैं? वैसे तो हम अक्सर उसे यूज़ ही करते हैं, कभी सोचते तो नहीं है, मगर कुछ लोग होते हैं जो सोचते भी हैं जी, और बनाने की चाहत भी रखते हैं, और अच्छी बात भी है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ नहीं बल्कि एक ही सॉफ्टवेयर है जिसे आप बना सकते हो, और उसे कुछ रूल्स हैं, मतलब आप वो स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं, आप उसे बदल नहीं सकते हो। ओके जी, सो फ्रेंड, अगर आपको ये ऐप बनाने का जो ट्यूटोरियल से अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपने कमेंट भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत से डाउट भी आएंगे कि थोड़ा सा ट्रिकी है जी। ट्रिकी ऐप बनाना बिल्कुल भी नहीं है, ऐप बनाना तो बहुत ईजी है। सिर्फ उसका इंस्टॉलेशन जो है, एक्चुअली इंस्टॉलेशन नहीं, उसका जो फर्स्ट बिगनिंग फेज़ है वो थोड़ा सा मुश्किल है जी, थोड़ा सा, कुछ नहीं जी, बहुत ही थोड़ा सा। अगर आप अच्छे से मेरे वीडियो को अगर आप देखेंगे आपको कम्प्लीटली आइडिया आ जाएगा, किसी तरह की कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ओके जी, तो चलो फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको उस ऐप का नाम बता दूँ जी, इसकी साइज़ में बड़ी कर देता हूँ। MIT ऐप इन्वेंटर। ओके फ्रेंड, ये एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो कि गूगल ने मींस तैयार किया हुआ है। एक्चुअल में गूगल के साथ टाई अप है MIT का, गूगल इसे मतलब एक्चुअल में लोगों को ओपन सोर्स अवेलेबल कराया है उन्होंने, तो आप ये कह सकते हो गूगल प्लस MIT जी। MIT अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ना पता हो, तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज है, आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए मरते हैं एक्चुअल में, और ये टॉप मोस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में जो रैंकिंग होती है QSA की, उसमें ये टॉप मोस्ट रैंकिंग पे आता है। फिर ऑक्सफोर्ड भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाने दीजिए, हमें उससे कुछ काम तो नहीं है उसका। ठीक है, ये है सबसे पहले अगर आपको ऐप बनाना है तो ये जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर का नाम है, और बनाया जो है गूगल प्लस MIT इन्होंने मिलकर बनाया हुआ है। थर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। जी आपके पास जीमेल अकाउंट होना कंपलसरी है। ओके जी, जीमेल अकाउंट आपके पास रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बल्कि आप इसे ऑनलाइन ही बना सकते हो, और ऑनलाइन बनाने के बाद आप इसे प्ले स्टोर में भी पुटअप कर सकते हो। ओके, ये इसका सबसे बिगनिंग फेज है। ओके, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ओके चलो जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ने वाली हैं। ओके, आपको गूगल में जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है जी। आपको MIT ऐप इन्वेंटर बस टाइप कर देना है, जिस आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सामने फ्रंट पेज आपके आ जाएगा। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है फ्रेंड। ओके, और ये MIT ऐप इन्वेंटर जो है, ये एक्चुअली ग्लोबली एक स्टैंडर्ड है, मतलब इनका ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको ये बताएंगे किस तरह आप ऐप बना सकते हो। एक्चुअल में ये बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं ऐप बनाने के लिए, एक्चुअली बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेनिफिट स्कूल्स लेवल या कॉलेज लेवल जो 11th 12th करते हैं उन्हें बहुत बड़ी तादाद में होगा, क्योंकि इनमें जो कॉम्पिटिशन है कम है और लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप बनाते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में विनर हो गए, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन किया गया हुआ। एक्चुअल में ये बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है, मगर कोई बताता नहीं हमें, हम फुकट के एंड्रॉयड क्लासेस लगा लेते हैं, ये ना वो ना दुनिया भर के, मगर जी दुनिया बहुत ही आगे चली गई हुई है,
हमें वो चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ हमें बहुत ही तकलीफ़ दे, ओके। क्योंकि अब जो है शॉर्टकट बहुत सारे इस्तेमाल हैं जी। ये बेसिकली मेरा मानना था, अब हर किसी का अपना अपना अलग अलग फंडा है, ओके। तो मैं आपको, तो मेरा जो पहला स्टेप जो मैं आगे चलूँगा, आपको क्रिएट बटन पे, यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपके जीमेल अकाउंट मांगेगा। ये आप अच्छे से वॉचफुल रहिए, मीन्स आप देखते रहिए जी आप। हाँ, ये मेरा रहा जीमेल अकाउंट, मैं यहाँ पर साइनअप कर देता हूँ। जी मेरा जीमेल खुल रहा है एक्चुअल में। हाँ, ये देखिए, और ये आपको हमेशा पूछेगा टेक अ सर्वे, आप लेटर कर दीजिए जी, हम बाद में सर्वे कर लेंगे जब हम बना लेंगे तब, ओके। अभी ये जब यहाँ पर जो स्क्रीन अवेलेबल होगी, ये बहुत ही, ये मतलब आप कंटिन्यू कर दीजिए, इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप कंटिन्यू कर दीजिए, ओके। कंटिन्यू, ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, ओके। तो ये एक्चुअल में इस तरह कुछ दिखता है इसका इंटरफेस। ये अब इसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे, आप ऐप कैसे बनाओगे, आप इससे किस तरीके से अच्छा आप अपना ऐप को बना सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, जी मैं आपको और कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ऐप जो है बनाने के लिए आपके पास, जैसे मैंने बताया, जीमेल अकाउंट होना चाहिए और इंटरनेट जी मस्ट है, इंटरनेट मस्ट है, मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं है। नो सॉफ्टवेयर नीडेड, आप इसे नीड भी नहीं है और आप इसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते, ओके। तो आपके लिए जीमेल अकाउंट, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास और नो सॉफ्टवेयर नीडेड, कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल जी कंपलसरी नहीं है, ओके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कंपलसरी नहीं है एक्चुअल में, ओके। जी ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं भी हैं तो भी आप कर सकते हो, ओके। मगर आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप और अच्छे से, मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन रहने का सिर्फ इतना ही बेनिफिट रहेगा कि आप अपने फ्रेंड या फैमिली या टीचर्स को बता सकते हो, जी देखो ये मैंने किया, वो देख के वो भी एक टाइप में शॉक हो जाएंगे, ओह बच्चे ने कैसा बनाया लिया, वो भी विदाउट एनी मतलब आइडिया, मतलब ना आपको जावा कुछ पता है ना ही तो एडवांस का पता है, तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ओके। तो ये चीज़ें एंड्रॉयड फ़ोन होने चाहिए जी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, ओके। इसका नाम हो गया MIT ऐप इन्वेंटर जी, गूगल प्लस MIT का टाइप है, जीमेल अकाउंट होना मस्ट है, इंटरनेट होना मस्ट है, नो सॉफ्टवेयर नीडेड, कुछ सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट विल नॉट डाउनलोड, मतलब वो डाउनलोड नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहे हैं, ओके। ये आपको ऑनलाइन ही करना होगा, जो भी बनाना है या फिर कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको, इसके लिए जैसे मैंने बताया इंटरनेट मस्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है उसके लिए। एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कंपलसरी नहीं है, ओके। अब मैं और आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ओके। ये रहा इसका इंटरफेस, इसमें इस तरह से हम अपनी चीज़ों को बनाएंगे, और ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है, ये मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल में बता दिया कि आपको किस तरह यहाँ तक पहुँचना है, ओके। जी ये मैंने पहले इसमें कुछ बनाया हुआ है वो, इसलिए इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं आपको, कम्प्लीटली आपको इसी तरह दिखाई देंगी, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है स्पीक ये नहीं रहेगा, ओके। जी स्क्रीन टू को मैं ओके कर देता हूँ, ओके। ये चेंजेस लेने में थोड़ा सा वक्त लगा रहा है, ओके। ये देखिए मेरी स्क्रीन चेंज हो गई, वो मैंने एक्चुअली एक ऐप बनाया हुआ था, वो उसका डेमो था, ओके। तो ये इस तरह से आपको कम्प्लीटली जो दिख रहा है इसी तरह से दिखाई देगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है।